तो पागलपन की एक हद होती है जो कहता है झूठ कहता है। आज दोस्तों समरस्लैम 2022 का जो अंत हुआ ना, लगा पागलपन की कोई भी हद नहीं होती है। रोमन रेंस ने चैंपियनशिप रिटेन कर ली और रोमन रेंस के जो ओपोनेंट थे ब्रॉक लेसनर, जैसी परफॉर्मेंस पुट की है, सैल्यूट है उन्हें। ब्रॉक लेसनर के दोस्तों लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को दोस्तों अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। बात करेंगे रोमन रेंस लेसनर की इस मैच की ही, और बाद में दोस्तों बाकी की समर स्लैम को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस अभी के अभी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसके अंदर दोस्तों हम क्विकली रैप अप करने वाले मेन इवेंट को। तो गाइस लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक ऐसा मैच जो कि दोस्तों किसी ने नहीं सोचा था इस तरीके से जाएगा। रिंग पलट दी गई है, लिटरली दोस्तों रिंग को उखाड़ा गया लेसनर के द्वारा, एंड रोमन रेंस ने दोस्तों चैंपियनशिप बेल्ट का यूज किया विक्ट्री प्राप्त करने के लिए। कुल मिलाकर दोस्तों समर स्लैम का मेन इवेंट एक 5-स्टार मैच को लेकर आया मेन इवेंट में, जहां सबसे पहले रोमन रेंस की एंट्री होती है, जो कि दोस्तों ये चीज कहते हैं नैशविल टेनेसी अकनॉलेज मी। जिसके बाद दोस्तों लोग लगाते हैं ट्राइबल चीफ के नारे हमें देखने को मिलती है ब्रॉक लेसनर की एंट्री। ब्रॉक लेसनर दोस्तों जो एंट्री लिए उसे देखकर मैं समझ चुका था कि लेसनर कुछ ना कुछ इस मैच के अंदर यूनिक करेंगे। लेसनर दोस्तों रेड ट्रैक्टर के ऊपर आते हैं और ट्रैक्टर के ऊपर दोस्तों खड़े हो जाते हैं। जैसे दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है, लेसनर वहां से कूद लगाते हैं और मैच बिगन होता है। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस की गंदी पिटाई कर दी थी और ऐसा लगने लगा था कि गाइस रोमन रेंस वहां से कमबैक कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इवेंचुअली दोस्तों रिंग साइड पर एक टेबल के ऊपर रोमन रेंस तब फोड़ देते हैं ब्रॉक लेसनर को जब बीच में पॉल हेमन आते हैं और वहां से दोस्तों जो ट्राइबल चीफ है कंट्रोल पा लेते हैं। इसके बाद दोस्तों कंट्रोल फिर से चला जाता है लेसनर के हाथ में जब दोस्तों स्टील स्टैप का यूज करते हैं। यहां दोस्तों लेसनर की इंसैनिटी हमें तब देखने को मिली जब लेसनर ने उस ट्रैक्टर में डाल दिया रोमन रेंस को और ट्रैक्टर दोस्तों हवा में उठाकर उन्होंने रोमन रेंस को रिंग के अंदर पटक दिया। यहां दोस्तों रेफरी काउंट को जाता है और काउंट 208 की गिनती तक ही जा पाती है क्योंकि ट्राइबल चीफ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मैच कंटिन्यू रहता है और हमें चीज देखने को मिलती है अब रोमन रेंस जो है वो पकड़ बना रहे हैं, सुपरमैन पंच लगा रहे हैं, लेकिन सुपरमैन पंचेस से दोस्तों कुछ नहीं बना। वहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर हार मानने को तैयार नहीं थे और इवेंचुअली दोस्तों अब मैच इस मोड पर जा चुका है कि लेसनर जो है F5 धर चुके हैं के बाद एक, लेकिन रोमन रेंस फिर से नॉकी काउंट तक उठ पा रहे हैं। यहाँ दोस्तों अब लेसनर ने सोचा कि थिंग्स को थोड़ा और हीट अप किया जाए। वो दोस्तों गियोटीन लगाने के बाद चले जाते हैं ट्रैक्टर के अंदर और गाइस ट्रैक्टर डाल देते हैं रिंग के नीचे और पूरी की पूरी रिंग पलट दी है। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी की पूरी दोस्तों उन्होंने रिंग पलट दी। ट्राइबल चीफ दोस्तों रिंग से बाहर कर गए और फिर से दोस्तों काउंट पर 8 के खड़े हो गए। इसके बाद दोस्तों हमें जो चीज देखने को मिली उससे लगा कि वाकई में लेसनर के साथ गलत हुआ। वहां दोस्तों होता क्या है कि हमारे अपने पॉल हेमन बीच में आ जाते हैं जब दोस्तों लेसनर F5 लगाना चाहते थे रोमन रेंस को टेबल के ऊपर, जहां लेसनर को गुस्सा उन्होंने पॉल हेमन को भी F5 लगा दिया। यहां दोस्तों आगे थिंग्स ऐसी गई कि उसोस जो है वो रिंग साइड पर आ गए और अटैक करने लग गए लेसनर के ऊपर। लेसनर ने दोनों को सुप्लेक्स लगाए और दोनों चीत हो गए। अब दोस्तों चीज ये देखने को मिलती है कि गाइस वहां रोमन रेंस इवेंचुअली स्पीयर मार पाने में सक्षम है कि थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ऑस्टिन थ्योरी का। ऑस्टिन थ्योरी आए जो कि दोस्तों कैश इन की पोजीशन में थे। एक शॉट दोस्तों ने रोमन रेंस को ब्रीफकेस का लगा दिया था, लेकिन कैश इन हो ही नहीं पाया क्योंकि लेसनर ने उन्हें F5 लगा दिया, वो भी उनके ही ब्रीफकेस के ऊपर। यहां दोस्तों रोमन रेंस को फिर से मौका मिला और उसोस की मदद के सहारे दोस्तों उन्होंने ब्रॉक लेसनर को पटकनी दे ही दी। वहां दोस्तों सबसे पहले तो उसो सुपर किक लगाए हैं लेसनर को और उसके बाद रोमन रेंस ने स्पीयर लगाने के बाद उन्हें टाइटल से पीटा, सबसे पहले WWE चैंपियनशिप और उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप से उनके सर के ऊपर वार किए गए। उसका उसो एंड रोमन रेंस ने मिलकर जितना भी सामान इर्द गिर्द का पड़ा हुआ था, जो भी दोस्तों वहां सामान गिरा हुआ था, वो लेसनर के ऊपर डाल दिया। रोमन रेंस स्वयं दोस्तों उस पाइल ऑफ लेसनर के ऊपर खड़े हो गए और काउंट दोस्तों 10 तक चला गया। लेसनर हार गए हैं और यहां दोस्तों रोमन रेंस ने इस लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में जीत प्राप्त कर ली है। वैसे कुल मिलाकर बात करूं इस मेन इवेंट की, मेरे हिसाब से दोस्तों ये 6-स्टार है। इसे दोस्तों 5-स्टार देना भी दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ी गलती होगी। लेसनर के साथ काफी गलत हुआ दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है, लेकिन अब चाहे जो भी कहे साम दाम दंड भेद रोमन रेंस मैच को जीत गए हैं। देखना होगा ये आगे क्या होता है। क्लैश ऑफ द कासल में दोस्तों ड्रू मैकइंटायर को फेस करने वाले हैं एंड लेसनर को अब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि ये था वन लास्ट टाइम। वीडियो आज की इतनी थी, आगे दोस्तों हम समर स्लैम को और भी ज्यादा कवर करने वाले हैं, तो होप करूंगा वीडियो को आप यहां लाइक करके छोड़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।